दोस्तों धीरे धीरे तो अब मुझे भी अभिषेक के ऊपर दया ही आने लग गई है और ऐसा लग रहा है कि समर्थ और ईशा जानबूझकर अभिषेक को पोक कर रहे हैं और भाई अपनी आदत से बाज ही नहीं आ रहे हैं। देखिए फैमिली वीक चल रहा है और बिग बॉस 17 के सारे कंटेस्टेंट यानी कि सारे घर वाले ग्राउंड एरिया में बैठे हुए होते हैं। वहां पर मुनावर की बहन भी आई हुई होती है और सारे बातचीत कर रहे होते हैं, तो तभी समर्थ और ईशा दोनों ही अभिषेक को पोक करना स्टार्ट कर देते हैं। और भाई तुम्हें तो पता ही है कि भाई अभिषेक जब है तो कितना रोला करता है और भाई वो वहीं पर शुरू हो गया और कहने लग गया कि देख तू मुझसे फालतू बात मत कर, मुझे पोक मत कर, फिर मेरा हाथ उठ जाएगा और तेरा बॉयफ्रेंड पिट जाएगा। मतलब कि दोस्तों इन दोनों ने एक बार फिर से अभिषेक को पोक करना स्टार्ट कर दिया है और वो ये चाहते हैं कि अभिषेक फिर से हाथ उठाए, इसके चलते उसको घर से बाहर जाना पड़े। मतलब कि इन दोनों की स्ट्रेटेजी साफ नजर आ रही है कि भाई जैसे तैसे करके अभिषेक को भेजो घर के बाहर ताकि एक कंटेस्टेंट स्ट्रांग कंटेस्टेंट घर से बाहर हो जाए जिससे ईशा और समर्थ के जीतने के चांसेस बढ़ जाएं। लेकिन समर्थ को ये नहीं पता इसे उल्लू दे चरखे को कि भाई ये ईशा किसी की भी नहीं है, ना तो ये अभिषेक की हुई और ना ही ये तेरी होगी, ये बस तुम दोनों का ही इस्तेमाल कर रही है फेम पाने के लिए और गेम में बने रहने के लिए। अब दोस्तों आपको क्या लगता है इन तीनों के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा।